हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? भगवान करें आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं टमाटर के पापड़। टमाटर हमने 5 लिया है, उसको अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में पीस लीजिए दोस्तों, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिलबट्टे पर इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ताकि जल्दी पिसा जाए। वैसे टमाटर बहुत जल्दी ही पिसा जाती है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पीस कर ले लेना है। कोई गहरा बर्तन लेंगे, ऐसे छन्नी ले लेंगे, उससे छान लेंगे। दोस्तों टमाटर कई तरीके के होते हैं, एक में ज़्यादा गूदा होता है, एक में थोड़ा ज़्यादा रस होती है, उस हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। अगर हम मेरी टमाटर दोस्तों ज़्यादा इसमें पानी नहीं है तो हमने आधी कटोरी या एक कटोरी पानी ऐड कर लीजिए। आगे वीडियो में बने रहिएगा तो बताते हैं दोस्तों क्यों पानी ऐड करेंगे। चम्मच से हिलाते हुए इसको छान लेंगे। इस तरीके से आसानी से छना जाता है और काम जल्दी होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ लगा है कि पानी कम है तो हमने ऐड किया है पानी आधी कटोरी। तो दोस्तों ये पापड़ रेसिपी आपको पसंद आता है तो हमारे रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि ये टमाटर के पापड़ आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, पर बताना ना भूलें दोस्तों, उस तरीके से हमें बहुत खुशी मिलती है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो अनलाइक कीजिए, पर कुछ तो अपनी राय ज़रूर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पूरी बीज और छिलके जो उसमें एक्स्ट्रा रह गए थे वो निकल चुके हैं। अब इसको हम नहीं छानते दोस्तों तो ये पापड़ देखने में अच्छा नहीं लगता। टमाटर की लिक्विड हमें बहुत ठीक लग रहा है तो दोस्तों आगे बने रहिए, हम बताते हैं। साबुदाना ली हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से धुल ली हूँ और धूप में सुखा ली हूँ। जितना हमने साबुदाना लिया है दोस्तों इतना ही आप भी लें। एक कटोरी ली हूँ पर कटोरी से कितनी खाली है आप देख सकते हैं। अच्छे से इसको पीस लेंगे, उतना पाउडर नहीं फाइन बनाना है दोस्तों, दरदरा ही रखना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो चलिए जिस बर्तन में पकाते हैं उसको ले लेते हैं और इसकी तले दोस्तों मोटी हो तो अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, कटोरी हमने कितने कटोरी में पानी ऐड किया है उतने ही आप भी पानी ऐड करें। हमने एक कटोरी साबुदाना के लिए 3 कटोरी पानी ऐड किया है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी को बॉईल करेंगे और ऐड करेंगे। कितनी ऐड करना है हम आपको आगे बताती हूँ। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे।
अब इसमें पिसा हुआ साबूदाना को ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। एक मिनट तक दोस्तों गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, फिर एकदम स्लो कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है दोस्तों, ये तीखा कम होता है और इससे कलर अच्छा आता है, तो इसको ऐड करेंगे। हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, आधा चम्मच। गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे दोस्तों, 1 मिनट के बाद स्लो एकदम कर लेंगे गैस की फ्लेम को। और दोस्तों अगर आपको यहाँ ज़्यादा मोटा लगता है तो यहाँ 1 कटोरी पानी आप बॉयल कर ऐड कर सकते हैं। 2-3 बॉयल आने देंगे दोस्तों। और दूसरी बात है तो इसको एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे और 8-9 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इसको हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जब ये पक जाएगा तो कलछी के पीछे से हमने इसको गिरा लगा कर देखिएगा, उस पर एक लाइनिंग ड्रॉ करिएगा। अगर लाइनिंग दोनों तरफ से मिल जाता है तो अभी पकाइएगा, नहीं मिलता है तो आपका कंप्लीट है। इस तरीके से देखिए हमारा एकदम चिपक गया, एक जगह हो गया दोस्तों। टमाटर के पापड़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम आसानी से बन जाती है। तो हमने 8 मिनट पकाया है एकदम स्लो आंच पे। और जीरा ऐड करेंगे आधी चम्मच, नमक ऐड करेंगे दोस्तों। यहाँ आप सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ आप धनिया भी कट करके ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी जो जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लग रहा है देखने में, आप ये पापड़ ज़रूर बनाएं दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आती है। जो हमने दरदरा साबूदाना पीस रखा था दोस्तों, देखिए कितनी छोटे छोटे दाने में दिख रहे हैं, मस्त दिख रहे हैं। अब ये छोटे छोटे जो पिसा हुआ साबूदाना है, इसकी आगे मैं दिखाऊंगी कि इसकी लुक कितनी अच्छी लगती है। अभी तो दोनों दोस्तों मिक्स करे साबूदाना और टमाटर दोनों डांस कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। हम आपको इन लोगों को तल कर दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों एक प्लास्टिक शीट लेंगे, मैं धूप में आ चुकी हूँ छत पर, तो अगर आपके पास ऐसा मोटा शीट है तो ले लीजिए, नहीं है तो पतला वाला ही ले लीजिए। पर पतला वाला होने की वजह अनुसार वो सॉरी पतला वाला वो होता है दोस्तों, तो उस पर आप तेल लगा लीजिए। तेल लगाएंगे दोस्तों तो उससे आपका पापड़ आसानी से निकल जाएगा। वैसे हमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमारी प्लास्टिक सीट बहुत मोटी है क्योंकि यहाँ दोस्तों बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मोटी होने की वजह से लेकर भागने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आप आकार दे दीजिए, आपको जैसा आकार पसंद है बड़ा छोटा उस हिसाब से बना लीजिए। इसको ज़्यादा ना पतला करेंगे ना ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज में रखेंगे। ज़्यादा पतला कर देंगे तो पतले होने सूखने के बाद और पतले हो जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। खाने वाले चम्मच से दोस्तों 2 चम्मच ही ऐड करें। तो हमारे पूरी बन गए हैं दोस्तों, आप ज़्यादा कम बेसी ज़्यादा बना सकते हैं उस हिसाब से।
तो सूख गई दोस्तों हमारी, एक दिन में ही सूख गई है, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आपके ज़्यादा वहाँ धूप नहीं है तो 2 दिन धूप दिखा सकते हैं। कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों सूखने के बाद, देखिए एकदम कलर उसकी अच्छी, धूप में अच्छी नहीं दिख रही थी, अब देखिए एकदम अच्छी रेड कलर आया है कश्मीरी मिर्च डालने पर, और उसकी कलर खिल कर आया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि ये टमाटर के पापड़ आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कीजिए, पर अपनी राय ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों हम तल कर दिखाती हूँ। तेल एकदम हार्ड गर्म होना चाहिए दोस्तों, देखिए एकदम खिल कर, कोई हमने सोडा नहीं ऐड किया है, कुछ भी नहीं ऐड किया है, एकदम खिल कर आया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारा साबूदाना कितनी मस्त दिख रहा है, जो हमने दरदरा पीस रखा था। देखिए दोस्तों इस तरीके से कितनी मस्त लग रही है। आप प्लीज़ प्लीज़ बनाइएगा और बताइएगा कि ये टमाटर के पापड़ आपको कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। और ये पापड़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे दोस्तों इसका फ़ायदा उठा सके। हम आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम करारा और क्रंची है दोस्तों। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।